मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों कल आपने पढ़ा था प्लेन शेप्स नेम, आज हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड शेप्स नेम। ओके, तो सॉलिड शेप्स में नेम चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। यस, नंबर वन क्यूब, नंबर टू क्यूबॉइड, नंबर थ्री कोन, नंबर फोर स्फीयर, नंबर फाइव सिलेंडर। बच्चों क्यूब किस प्रकार आकार का होता है, किस साइज शेप का होता है? जो क्यूब होते हैं वो शेप ऑफ स्क्वायर, उसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर शेप का होता है। ओके, द फेस ऑफ अ क्यूब आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर्स। तो क्यूब का शेप कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर शेप में। जैसे आप डाइस वो खेलते हैं लूडो, तो वहाँ डाइस देखा है वो किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है और वो सॉलिड होते हैं। इसी प्रकार से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किस शेप में होता है बच्चों? क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल शेप में। जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, जैसे अलमीरा जिसको कबर्ड बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से कोन, कोन का शेप कैसा होता है? कोन लाइक अ ट्रायंगल। कोन का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप, जिसमें आप आइसक्रीम कोन जानते हैं ना बच्चों, जिसको आप सॉफ्टी बोलते हैं। और क्या होता है लाइक एज, जैसे आपने देखा था कि एक तो सॉफ्टी होती है जिसको आप आइसक्रीम कहते हैं, या फिर बर्थडे कैप जिसको जिसे जोकर लगाए हुए हैं, देखा है आपने। 5.1 एक्सरसाइज जब ओपन करेंगे तो देखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से स्फीयर, स्फीयर में बच्चों क्या होता है? स्फीयर किस तरीके का होता है? यस, ये होता है लाइक ए सर्कल। जैसे इसमें आपने देखा है फुटबॉल स्फीयर का शेप होता है, और अर्थ, अर्थ जिसको ग्लोबल, ग्लोब जानते हैं, ग्लोब होता है जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफिस में उस छोटी सी अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी की तरह जो बना होता है, उसी के जैसा बना हुआ छोटा सा शेप होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोब। ओके, अच्छा इसी प्रकार से अब हम देखते हैं सिलेंडर। तो बच्चों सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर लाइक ए कैंडल, लाइक ए कैन। ओके, अच्छा इनमें बच्चों आपको पढ़ाया है ना कि कौन से स्लाइड होते हैं, कौन से रोल होते हैं, तो ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अब दी गई एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना है और टिक करने हैं कि कौन सा शेप इसमें सही है। अच्छा, जैसे ये फर्स्ट में देखिए, ये एक टॉप दी गई है। अब आपको ये बताना है इसका शेप कैसा है, ट्रायंगल या कोन या स्फीयर, आप बताएंगे बच्चों ये किस शेप में है। यस, ये कोन शेप में है, क्योंकि ट्रायंगल होता है तो इसमें थ्री साइड होती एंड थ्री कॉर्नर, है ना, इसलिए ये ट्रायंगल तो हो नहीं सकता है। स्फीयर भी नहीं, क्योंकि इसमें एक तो कॉर्नर है, जबकि स्फीयर में कोई कॉर्नर नहीं होता है ना कोई साइड, है ना। अच्छा, तो अब आप इसमें टिक कौन सा करेंगे बच्चों? कोन में, वेरी गुड। आप सेकेंड देखिए, सेकेंड स्फीयर, सर्कल या स्क्वायर, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई साइड है ही नहीं। ओके, सर्कल, सर्कल इसलिए नहीं है क्योंकि ये उभरा हुआ है, यानी गोल तो है ये लेकिन चपटा हुआ नहीं है, ये कैसे उभरा है? जैसे बैलून्स, तो बैलून क्या होते हैं बच्चों, या फुटबॉल शेप क्या होता है? स्फीयर, वेरी गुड बच्चों। तो आप किस में टिक करेंगे? स्फीयर में। इसी प्रकार से थर्ड को देखिए, ये रोल किया हुआ है। अब स्फीयर आपने देखा ये है ही नहीं, रेक्टेंगल बिल्कुल भी नहीं है, तो अब ये कौन सा है? सिलेंडर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, दिए गए शेप किस प्रकार का है बताएंगे बच्चों? स्क्वायर है? नो, क्योंकि स्क्वायर तो प्लेन शेप होता है, उसमें फोर साइड होते हैं, और इसमें फेस कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6,
इसमें फेसेस कितने हैं? सिक्स। और कितने इसमें स्क्वायर हैं? वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल ये जो होता है तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या है बच्चों? यस, क्यूब। तो इस प्रकार से आपको जो सही यानी करेक्ट आंसर है, करेक्ट शेप है, उसमें आपको टिक करना है। तो बच्चों इसे तो आप अपनी बुक में ही टिक कर लेंगे, ओके। और इसी पेज में 110 में देखिएगा FIB दी है, जिसमें आपको 6 to 9 FIB है, उसको भी आप अपनी बुक में फिल करके तुरंत सेंड करेंगे। समझ में आए बच्चों? जैसे हमने कल आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाया था टिक द करेक्ट ऑप्शंस में, इसी प्रकार से अब 6 to 9 यानी 4 क्वेश्चंस और हैं, उसमें आप सही आंसर फिल करके और साथ में इसमें करेक्ट आंसर को टिक करके सेंड करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।